चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट 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 आ जाओ, क्विक। मैम हम लोग करंट अफेयर्स तो कल भी पढ़े, आज वापस पढ़ रहे हैं। हाँ क्या हो गया? ये पेज क्यों खोला है पता है? एक हम लोग कल एमसीक्यू देख रहे थे, उसमें आईएमएफ के बारे में कुछ बताया हुआ था, तो बस इतना बताने के लिए कि जरूरी नहीं है एमसीक्यू किसी लाइन से आए। ओ अच्छा, इस तरीके से एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वन फ्रॉम चैप्टर नंबर वन, क्वेश्चन टू फ्रॉम चैप्टर नंबर टू। नहीं, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सो अपने को रेडी रहना है, दिमाग में चीजें एकदम बिठा के चलनी है। लर्न नहीं कर सकते हैं चीजों को। हेलो अंजलि, हेलो कोमल, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स, है ना? क्योंकि एक्टिव हमारे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे पैसिव स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो क्लास की बात लास्ट करते हैं वो, और मेरे तक कभी उनकी बातें पहुंच नहीं पाती। तो हमारा टारगेट क्या है मैम आज के क्लास का? हमारे आज के क्लास का दो टारगेट है। एक है करंट अफेयर्स का क्लास, जो कल थोड़ा सा रह गया था उसको कंप्लीट करना, और दूसरा है बीसी। मैम सुबह भी तो बीसी पढ़े पढ़े ना, तो अभी बीसी को और एनहांस्ड वे में पढ़ेंगे। थोड़ा जो हिस्ट्री ऑफ छूट गई थी ना हमारी करस्पॉन्डेंस वाले चैप्टर की, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। वेब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारी चीजें। या हेलो प्रीति, हेलो एवरीवन, अदर्स जो सो गए हैं, हेलो। कैसा लग रहा है? सुबह का क्लास किया था आप सबने, या आपका दूसरा क्लास है, इसके बाद आपका तीसरा क्लास होगा, कैसा लग रहा है? मैम संडे आप बर्बाद कर देती है, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन संडे आपके कॉलेजेस और नहीं होते हैं, आप आराम से पढ़ पाते हैं, यही आपके पास समय, फ्यूचर में ये भी नहीं बचेगा। चलो रेडी, बड़े आगे। मैम पढ़ा तो दिया था चैप्टर फोर, कंप्लीट तो कर दिया था। अरे हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर फोर नहीं टू, सॉरी, चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू। टू हमारा पूरा कंप्लीट था, वन में ना कुछ कुछ तो ऐसा रह गया था जो मेरे को मार्क करवाना आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ तो ऐसा रह गया था जो मेरे को मार्क करना आपको इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मैम, ये सब पढ़ लिया हमने। अरे पता है मुझे, बताओ ये सब पढ़े याद आ रहे? स्पोर्ट्स में आ जाओ मैम, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। मैम करंट अफेयर्स का सेल्फ स्टडी कब खत्म करना है? हर रोज चलना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले भी चलना चाहिए, सेल्फ स्टडी खत्म तो नहीं होती। मैम एकदम डेडिकेटली जो डेट्स हैं इसको लिखो, जो डेट्स हैं, कोई टर्म है, कोई नाम है, वो आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है। ये अगर आपका पहले से कोई नोट बनाया हुआ है, या कोई आप चार्ट बना के रखे हो, प्रिंट करके रखे हो, डीबीएफ करके रखे हो, तो बहुत काम आएगा एग्जाम के पहले। ये थी आपकी आज की अमूल टिप। मैम मास्टर शेफ, हाँ बिल्कुल। चलो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 21। मैम 22, अरे अपडेटेड होगा ना, देखो चेक करो, गूगल करो, थोड़ा सा पढ़ो। 21 लास्ट में होता है वो, नवंबर के टाइम पे, तो अभी हुआ नहीं है। सो चल, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डरा देती हैं आप। स्पोर्ट्स अवार्ड 21 किसको किसको मिला था? लेकिन हाँ कुछ अपडेशन हुआ है मैम। अपडेशन कहाँ पड़ेगा, पढ़ेंगे हम बुलेटिन में। पढ़ा है ना ऑगस्ट वाला, उसमें था ना स्पोर्ट्स का जो अमेंडमेंट था आ गया, याद आ रहा है? तो जो मिस कर रहे हैं हमारी क्लासेस, कैसे पढ़ना है मैम? करंट अफेयर्स के नॉर्मल कंसेप्ट क्लास, थोड़ा बहुत गूगल, और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के लिए हम न्यूज पढ़ रहे हैं हर रोज। आप जो बुलेटिन्स पोस्ट कर रहे हो, वो बुलेटिन्स तो हमें मिल भी गए कहाँ से, वैसे हम पढ़ाई करके कर लेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैम ये जो क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट्स है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सुन के कैसा लग रहा है? अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस,
कोचेस, क्योंकि टीचर्स होते हैं, द्रोणाचार्य वॉज अ टीचर, सो इसी के लिए. ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार. मैम बहुत संस्कृत, हिंदी हिंदी. तो ये सारे जो आप बात देख रहे हो ना, ये किस किस पर्पस के लिए दिए गए, वो है. जैसे मेजर ध्यानचंद, ये किसके लिए देते हैं? स्पेक्टैक्युलर और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स को देते हैं एक स्पोर्ट्समैन को, ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स को देखते हुए. ठीक है. अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये किसको देते हैं? गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स. अगर 4 साल आप बहुत अच्छा खेले हो, अपनी क्वालिटीज दिखाए हो आप लीडरशिप की, तो आपको ये मिलता है. द्रोणाचार्य अवार्ड, जस्ट अ सेकेंड, मेरा चैट इशू कर रहा है. हाँ अब ठीक है. एक बार कोई हाय हेलो लिखो, मुझे पता चले, फिर थोड़ा एक्टिव रहेंगे आप लोग. सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस वाइफ, और यस यस हाँ जी. नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको देते हैं मैम? कोचेस को, फॉर आउटस्टैंडिंग या फिर उनका जो कंसिस्टेंट मेरिट बेस्ड काम होता है उसके बेसिस पे. चलो हाँ, सृष्टि को बोले हाई लिखने, हाई लिखती है. हाय सृष्टि, हेलो. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये अच्छा सॉरी, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट जब हम देखते हैं, तो ये ऑनर के लिए हम देते हैं, जिसने बहुत अमेजिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन रहा है अब, और अब कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, काफी लंबा टाइम, ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाइप्स, ठीक है. अच्छा अब हम समझे, मतलब किसी ने बहुत अमेजिंग खेला रिटायरमेंट के समय, उसका अगर उस तरीके का नाम, उस तरीके का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, तो उसको मिलेगा. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ये किसको देते हैं? ये प्राइवेट और पब्लिक, इट्स गिवन इन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज और में देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या कोई एनजीओ, ये सब इनको देते, जो कि हु हैव प्लेड अ विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट. कुछ अच्छा उनका रोल रहा है, उनका पार्टिसिपेशन रहा है किसी भी गेम को प्रमोट करने या किसी में, तो दिस इज प्रोत्साहन, दिस इज बोलते ना वेरी गुड वेरी गुड, वैसा वाला. तो हाइलाइट्स में हम क्या देख रहे, देखो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 21 का था, ये 12 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला, 35 स्पोर्ट पर्सन को अर्जुना अवार्ड मिला. ये सब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो इंटर लेवल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खेली, इज गिवन मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी. तो ये अभी फिर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वो 14 स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे उसमें. लास्ट टाइम पे भी इनका, नीरव चोपड़ा का भी काफी ज्यादा, वो जावलिन के लिए, वो ऑल दो वो अलग चीज था, बट हाँ काफी इंपॉर्टेंट. तो स्पोर्ट्स ना फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है आपको पता है. तो आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट कौन था, या किसी स्पेसिफिक फील्ड में किसको मिला है, तो एक बार के लिए आपको ध्यान में रखना है. सो प्लीज लिख के रखो, रीडिंग लर्न नहीं कर सकते यार, इसको दिमाग में एक बार रखना पड़ेगा, ध्यान में रहा तो लिख पाएंगे. अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये 12, ये 35, ये 21 का डेटा है, ठीक है. तो ये आपको रीड करना है. मैम इसके लिए आप हमें बुलाई थी? हाँ, ऑप्शन नहीं है, क्या करें. हॉकी में देखो ना, सबको तो हॉकी में ज्यादा मिल गया, तो अलग टाइप का कौन था? पैरा एथलीट, ठीक है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फेंसिंग, मेजर हॉकी है. द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस, ये तो 4-5 ही तो पढ़ ही सकते हो, वो भी ऐसे जुल्मी नहीं, आपको कुछ भी उठा के नहीं दे देंगे, तो थोड़ा आपको देखना होगा फीमेल या कोई अलग कैटेगरी ऐसा कुछ. रेगुलर कैटेगरी में किसको क्या मिला, रेगुलर कैटेगरी में किसको क्या मिला? ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम, ये तो इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. बॉक्सिंग में किसको मिला, चेस में किसको मिला, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी स्पोर्ट्स को. हाँ तुम एक नाम नहीं याद रख पा रहे हो, बताओ. हाँ ऐसे चलता है क्या? नहीं, ठीक है. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला? कॉर्पोरेट्स को मिला. आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट किसको मिला? मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिला. ये मैंने बताया ना, ये
कॉरपोरेट्स को, एनजीओस को, इनको मिलते हैं जिनका अच्छा रोल रहता है प्रमोशन या फिर किसी के परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नहीं गलत होगा, कि वो प्रमोट कर रहे हैं किसी भी गेम या टूर्नामेंट, किसी स्पोर्ट को, तो वो इंस्टीट्यूशंस और को मिलते हैं। तो मानव रचना इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिला, किस लिए मिला, इस पर्पस के लिए। और IOCL या OCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला फॉर एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR कंपनीज एक्ट अगर आप पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें CSR एक्टिविटी, कुछ कंपनीज है जो अगर कुछ XYZ काम करते हैं, कुछ कंपनीज है जो अगर XYZ काम करती हैं और उनका कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स है, अगर वो उस लिमिट्स को क्रॉस करती हैं तो उनको CSR करना पड़ता है। दैट मीन्स यू नीड टू गिव बैक टू दी सोसाइटी 2% ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा है। आप पढ़ोगे, नॉट एन इशू, सेक्शन 130 के बाद आप पढ़ते जाओगे वो सब, आपके कॉस्ट ऑडिट और वो सब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स सेक्शन 135, एंड उसी के बेसिस पे आप काम करना शुरू करते हो, CSR करते हो। सारी कंपनीज, मैम कुछ कंपनीज जिनका XYZ क्राइटेरिया लिमिट होता है उसको क्रॉस करते हैं तब करना पड़ता है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। हाँ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बताएंगे रिपोर्ट्स में कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंपनीज एक्ट भी आ गया यहाँ पे। मौलाना अबुल कलाम यानी मक्का ट्रॉफी जो है वो किसको मिली, पंजाब यूनिवर्सिटी, मैम कैलकटा यूनिवर्सिटी नहीं मिली, ठीक है, चंडीगढ़। तो क्या हम यहां तक क्लियर हैं, हमें किस तरीके से और क्या क्या पढ़ना है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, फिर से लाइव चैट में प्रॉब्लम, चलो ठीक है, पानी दे दीजिए ना। कुछ दिन करिए, क्लास चल रहा है ना। लड़कों के लिए थोड़ा इजी होगा, लड़कों के लिए थोड़ा सा इजी होगा, पूछो क्यों, देखते हैं ना स्पोर्ट्स, और लड़कियां थोड़ा नहीं देखती है, मैं मानती हूँ, मैं भी नहीं देखती। सो हाँ है थोड़ा सा, मतलब सबको नहीं बोल रही हूँ जनरल टर्म में, लेकिन मेरा वो मैगजीन्स और कभी और वो गॉसिप का भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जनरली नहीं देखती हूँ, आई डोंट लाइक एक्चुअली। चलो ठीक है, तो यहाँ पे T20 के बारे में कुछ बोला, भैया लोग की आंखें चमक गई, हमें पता है ना, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 22 शेड्यूल, ये तो आपको पता है क्योंकि ये हो भी गया होगा, ठीक है, ये हो भी गया होगा, तो करंट पढ़ना भाई कि क्या हो गया है। विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत ट्रेंडिंग है, लिखो ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो ना, द 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, 12th एडिशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप विच इज बीइंग हेल्ड इन न्यूजीलैंड, कब, अप्रैल में हो गया मैम, जी बिल्कुल। तो आप जो चीज हो गई है ना, अब अपडेटेड पढ़ो, अपडेटेड पढ़ो, ये पढ़ लिया कि हमारे बुक में था, ये न्यूज देख लो ना, विनर कौन है क्या नहीं है, कि हम मैराथन में कवर करेंगे, बट खुद के लिए आप एक बार देख के रखो। क्वालिफिकेशन
ऑन 12 नवंबर 2021 आईसीसी ने अनाउंस किया कि 21 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेन का. क्वालिफायर हैड बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू कंसर्न्स ऑफ न्यू कोविड. ऑब्वियसली उस टाइम पे वेरिएंट चल रहा था. एज पर आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस द 3 रिमेनिंग क्वालिफिकेशन स्लॉट वर बेस्ड ऑन द टीम्स रैंकिंग. रैंक के ऊपर बेस्ड था. इसी के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ये लोग प्रोग्रेस कर पाए. यहां पे देखो क्वालिफिकेशन क्या था. न्यूजीलैंड होस्ट, ऑस्ट्रेलिया विमेन्स, इंग्लैंड विमेन्स, साउथ अफ्रीका विमेन, इंडिया विमेन, बांग्लादेश का आईसीसी ओडीआई, आईसीसी ओडीआई, आईसीसी ओडीआई. ये मोड ऑफ क्वालिफिकेशन रैंकिंग था. नॉट इंपॉर्टेंट. लिस्ट ऑफ इंडियन मेडलिस्ट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 5th September 2021. मैं, हमें बहुत पसंद है ये दिन, बहुत ज्यादा इंजॉय किया था ना इस दिन. ठीक है, चलो देखो इसको एक बार रीड करो. इसको रीड करो मैम. ये लिस्ट है क्या? हाँ. जैवलिन थ्रो के लिए किसको मिला गोल्ड सिल्वर? कौन लेके आया? शूटिंग के लिए किसको मिला? एक एथलीट मिल गई सीए वाले क्लास में, तो आज नाम भूल गई मैं उसका, बट स्टेट लेवल खेला उसने अभी. उसके फादर नेशनल लेवल स्पोर्ट प्लेयर थे. ये सब शौक भी बहुत अमेजिंग होता है बिकॉज काफ़ी कम लोग करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके सीवी में वो ऐड करता है कि अगर आप कहीं के नेशनल लेवल प्लेयर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. राइफल लेके आई थी इतना बड़ा सा क्लास में, अभी जस्ट दिखा के गई मैम राइफल लेके आई हूँ, है ना ऐसे. नहीं नहीं मारा नहीं. बट काफी अच्छा लगा मुझे देख के. मतलब एक तो मेरी हाइट देखा है, अगर आप लोगों ने मेरे को रियल में देखा है तो मेरी हाइट बहुत कम है, 5'2" के आसपास. वो मेरे से भी और थोड़ी सी कम है, बट राइफल उससे बड़ा. मैंने पूछा रियल रियल बुलेट्स वगैरह लेके आए हो क्या? चलो ठीक है. क्लास क्लास में ऐसे मजा आता है, ऐसे देख के अच्छा लगता है थोड़ा. तो मैम ये सब हमें रीड करना है. कोई देखो दया आ रहा है मेरे को तुम लोगों के ऊपर, दिल से बहुत दया आ रहा है. मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, पर अब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है, क्या ही बोले. गोल्ड पढ़ लेना एटलीस्ट एक एक. और क्या मैं बोलूँ, लड़कियों का नाम थोड़ा ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पे स्टिक करके रखो, वो तो याद कर ही लेना. कॉमनवेल्थ गेम जिसको CGF, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, ठीक है, वो लोग कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो है लॉन्च करते हैं अलग अलग गेम्स ऑब्वियसली, एंड आप खेलते हो. अब यहां पे देखो लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट 22 वाला हो गया मैम. हां जी. की फैक्ट्स, होस्ट कौन? इंग्लैंड. कंट्रीज 72. इवेंट्स 283. एथलीट्स 4,500 से ज्यादा. ये आएंगे कहाँ होस्ट हुआ, किस जगह पे हुआ, नाम और डेट. और इसको एक बार फैक्ट चेक कर लेंगे, फैक्ट चेक कर लेंगे आप, मतलब रियल में हो गया नहीं तो पास्ट में लिखा था, अभी क्या हुआ वो भी एक बार देख लेंगे. ठीक है, ये लिंक है ना, इस पे भी देख सकते हो और गूगल कर लो, थोड़ा सा गूगल कर लो. पढ़ना जरूरी, देखो ये तो याद होना जरूरी है बुक वाली चीज, बट हाँ एक जन तो कोई मेंटेन करके रखो, ये अपने मैराथन में हमें कवर करना है. ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स जो फरवरी 4 फरवरी 20 से 20 फरवरी के बीच हुई थी 2022 में, कहां पे? बीजिंग चाइना. ठीक है मैम, बीजिंग चाइना. द 2022 विनर ओलंपिक्स ऑफिशियली कॉल्ड एज, क्या है मैम ये? 10-10-4. हाँ क्या बोलते हैं इसको, बताओ जल्दी. अरे बेशर्मो, रोमन नंबर पढ़ना नहीं आता है क्या? ये 10-10-4 भी बोल दिया तब भी नहीं बोल पा रहे हो क्या? क्या होगा, तुम लोग कैसे एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे? एक तो महान बच्चा, क्या कहता है मुझे,
कि मैम एलआर के सारे क्वेश्चन जो है ना वो सब गलत दिए हुए, मैंने सही किया, आप प्लीज चेक करो। मेरे से चेक और करवा लिया। फिर नेक्स्ट डे बोलता है अरे मैम दूसरा शीट खोल के बैठे थे, वो क्वेश्चन तो उसके थे ही नहीं, एलआर के तो कहीं और आंसर लिखे थे, सारा सही है मैम, डोंट वरी डोंट वरी। जी सृष्टि बिल्कुल सही जवाब, जी प्रीति सही जवाब। मतलब इतना जब आपको समय लग रहा है इस चीज को मुझे बताने में कि ये क्या है, तो मैं क्या ही बोलूं फिर। वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड कोमल। एनीवेज वो बच्चा जो भी है, आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन होपफुली अब आप सही आंसर्स देखोगे, वरना ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना खुद की पढ़ाई पे, अरे मैम तो ये पढ़ाई थी, हम तो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे बन नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ, जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या, एलआर के क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या? बीसी में नहीं पूछूंगी क्योंकि पूरे तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एलआर तो हो गया, एलआर में तो बचा नहीं, कुछ छोटू सा एक पोर्शन बचा हुआ है, बताना यस नो, कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब थोड़ा सुनना मैं पसंद करूंगी, मेरे मन रखने के लिए मत बोलना, तुम सच में बताओ। अक्षत, सृष्टि, अंजलि, कोमल, प्रीति, अंजलि, यस वेरी गुड प्रीति। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चंस बना के, कैसा लग रहा है बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है? बीजिंग वॉज सिलेक्टेड, यस हाँ, या थोड़ा नहीं बन रहा है, थोड़ा यस मैम आ रहा है कॉन्फिडेंस, यस थोड़ा थोड़ा नहीं बन, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बन रहा है। क्वेश्चन क्लासेस कंप्लीट करो पहले, सब सॉल्व हो रहा है, वेरी गुड, इजीली, वेरी गुड। ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं आप, ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं सारे। बीजिंग वॉज सिलेक्टेड एज होस्ट सिटी 2015 में एट 128 आईओसी सेशन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, लिखो एमसीक्यू जोन, एमसीक्यू जोन, यहाँ पे ये सब डेट्स, ये छोटे छोटे डेट्स ना यही ले जाएंगे आपको, याद रखना, आप इसे छोड़ के आगे निकल जाओ पता चला रे 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 क्या छूट गया। बीजिंग बिकेम द फर्स्ट सिटी टू हैव होस्टेड बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स, दो होते हैं पता है ना, पता है ना। तो ये सब नाम, ये सब जो एमसीक्यू जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा वेन्यू कहाँ था उसका, उससे भी ज्यादा कौन से यू नो जगह ने होस्ट किया उसको, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और बार बार तो ये बोला तो एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर लो, वन मार्क एक्सपेक्टेड, एक नंबर के इतना पड़े क्या, बिल्कुल रीड करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम प्रोग्राम, लिखो VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP। तो ये मूवमेंट क्यों हुआ था मैम, ये मूवमेंट हुआ था ताकि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो 12 वर्टिकल्स में टूटा, ये आया था ताकि स्पोर्ट्स कल्चर जो इंडिया का है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसको और फिजिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको और ज्यादा यू नो प्रमोट करने के लिए ये एक प्रोग्राम आया, ठीक है। तो इसमें 12 स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, 12 स्पोर्ट्स या 12 वर्टिकल से इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, वर्टिकल जितने थे, अब इसमें अलग 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 गेम्स भी हैं। ये किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, इस अच्छा अब ये कब लॉन्च हुआ, ये देखो लिखा नहीं है, ये तुम लिखो when was it launched, who launched it, अभी तो कोई गेम हुआ है कि नहीं, अब ये तुम्हारा काम होगा, ये एडिशनल काम होगा। जैसे SBI तुम्हारे सामने आनी चाहिए, तुमको पता होना चाहिए आज SBI के गवर्नर कौन है, SBI के प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है, फॉर्मर कौन थे, ये सब कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही नाम आता है फिर आता है अपना क्या मैम, लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स, इंडिया में कितने लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और कितने लैंग्वेजेस जो ज्यादा मतलब वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन वो लैंग्वेज यूज करता है, 23 कौन कौन से लैंग्वेजेस अपने यूज करते हैं,
एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आपके लॉ में भी आ जा रहा है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेज, लैंग्वेजेस ऐसे तो 7000 प्लस है, पर 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस मेंशन किए अकॉर्डिंग टू ए टू जेड फोनिक्स, ए बी सी वैसे आसमीज, बंगाली, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है मैम, हिंदी, अरे 4 नंबर देखो। अब इनमें से भी जो लैंग्वेजेस हैं, 14 को इनिशियली इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में सिंधी लैंग्वेज 1967 में आया, उसके बाद बाकी के लैंग्वेजेस आए धीरे धीरे करके 1992 में, और उसी तरीके से 1994 में बाकी के लैंग्वेजेस है। तो तुम एक चार्ट बना सकते हो ना कि मैम है तो 7151, जिसमें से 23 लैंग्वेजेस, आधा से ज्यादा दुनिया का पॉपुलेशन बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दिए गए, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 14, उसके बाद 1967 में आ गए 1, फिर एक कब आया बताओ, टोटल कितना होना चाहिए मैम, 22, कितना होना चाहिए टोटल 22, उसमें 14, एक 15, ठीक है, उसके बाद 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22, ठीक है, तो 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे, क्लियर है। अब कौन सा लैंग्वेज आया बाद में और ये पहले, वो यहाँ सामने दिया है, तो एक बार अगर तुमने चार्ट ऐसे बना रखा है प्रॉपरली कि कब कब कौन से ईयर में कितने कितने इंट्रोड्यूस हुए, तो तुमको याद रहेगा और इजी रहेगा तुम्हारे लिए, लिख सकते हो एमसीक्यू जोन, एक बार लिख दो ना एमसीक्यू जोन। हाँ मैम, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है कम्युनिकेशन के लिए, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेट करें, क्योंकि एक स्टेट का लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी दूसरा होगा। अब एक बिहार के होंगे एक जगह से, तो बांग्ला में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो ये दो, अब ये कौन सा लैंग्वेज होगा, सो ये भी बात कहाँ लिखी हुई है, बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन, तो आर्टिकल 347 में बोला, ठीक है, 347 में, कि अगर आप सेंटर स्टेट कम्युनिकेट करें, स्टेट स्टेट कम्युनिकेट करें, तो कैसे करेंगे, तो लैंग्वेज फॉर द टाइम बीइंग जो ऑथराइज की गई है यूनियन, यूनियन में, ठीक है, फॉर ऑफिशियल पर्पस, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज मान करके यूज करेंगे जब दो स्टेट के बीच में या स्टेट और यूनियन के बीच में बात होगा। अच्छा, मतलब यूनियन में जो लैंग्वेज उस टाइम पे चल रही है वही क्या, जी हाँ, जी हाँ, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। तो आर्टिकल 346 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या ये 346, हां जी आर्टिकल 346, क्या पूछ रहे हो आप, वापस पूछना, सृष्टि क्या पूछ रहे हो, वापस पूछना, थोड़ा मैं मार्किंग कर रही हूं यहां पे, स्क्रीन पे देखेंगे, और अगर बाय चांस आपसे पूछ ले कि मैम एक्चुअली है कौन सा लैंग्वेज, मान लो हिंदी चूज किया, तो हिंदी होगा, उस टाइम पे यूनियन में क्या चल रहा है वो देखना होगा, ठीक है। क्या सृष्टि आपका सवाल ये था कि 346 आर्टिकल है भी, जी बिल्कुल है, इज इट 346, ओ ओ ओ ओ ओ
346 या 347? इट इज 346. वेयर डिड यू फाइंड 347? वेयर डिड यू फाइंड 347? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. देखो ये 346 है, ये क्लियर है. 347 क्या बोलता है सुनना, 347 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन है रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑन डिमांड. On demand. अभी मेरे को शायद तुम्हारा क्वेश्चन समझ आ गया, तुम क्या बोल रहे हो. ये जो होगा ये 347 होगा, ये 346 करेक्ट है, बट प्लीज कंफ्यूज मत होना. तो हाँ, अगर ऑन डिमांड बींग मेड दैट इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट मे इफ ही सैटिस्फाइड दैट द सब्सटैंशियल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state. जब communication हो रहा है बीच में president को आना पड़ेगा, that is for 347. कितने languages listed है? 460, जिसमें से 447 companies act में पढ़ोगे तुम, एक जुर्म का सेक्शन है लेकिन वो बात नहीं बोली जा रही है. 447 जिसमें से मतलब 447 लैंग्वेज आउट ऑफ 460 लैंग्वेजेस, ये बात बोली, आर लिविंग एंड 13 आर एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो रखा है. इतने टोटल परमिटेड परमिटेड यानी कि लिस्टेड, जिसमें से 13 खत्म हो रखे हैं, बचे से 447. ऑफ द लिविंग लैंग्वेजेस 419 लैंग्वेजेस जो है वो इंडिजीनियस है, 28 नॉन इंडिजीनियस है, जिसमें से 64 इंस्टीट्यूशनल है, 119 डेवलपिंग, 138 विगरस. मैम याद कैसे रखे ये सब, कैसे मैम कैसे? ठीक है, याद रहेगा, लिख लिया 419 इंडिजीनियस का मतलब लिख लो, जो कि है मतलब जिंदा है, चल रहे, 28 है बट काम नहीं आ रहे, नॉट यूज्ड. ठीक है, ओके ओके. ये डेवलप कर रहे हैं, ये अच्छे खासे चल रहे हैं, ट्रबल में हैं, और 14 मर रहे हैं. मैम मतलब मैम लैंग्वेजेस के बारे में भी हमें बता दिया कि कितने हैं टोटल, कितना क्या है इसका. तो आप अगर अगर आज ही फ्लो चार्ट बना लोगे, इज इट 347, यू हैव सेड 347, इज इट 347 और 346, यू सेड इट. I hope this 346 and 347 are clear right now. ये clear है क्या? Please मेरे को बता दो. Yes, no. Yes, no. Please, quick. अभी भी अटके हुए हम लोग इसमें या clear है हमें? Yes, सृष्टि, प्रीति, अंजलि, कोमल, अक्षत. ठीक है, ओके. यहां पे देखो लैंग्वेजेस क्लियर है. लैंग्वेजेस का अगर आज चार्ट बन जाता है बेटा,
अगर आज चार्ट बन जाता है तो बहुत ही अमेजिंग, तुमसे नहीं पूछेगा विग्रेस क्या है, खत्म क्या हो गया, सीधा सीधा याद रखेंगे अपने। हिंदी जो है इज वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस, ये हमें पता है, ठीक है, और 40% लोग इंडियन पॉपुलेशन का इसको यूज करते हैं। मैम बाकी के 60 साउथ के होंगे शायद। उप्स। लैंग्वेज जो न्यूज में अभी है, अरे अरे ये तो बहुत दिनों बाद आया, क्या है देखो क्या बोली, लैंग्वेजेस जो यूज में, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 22। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कहाँ सेलिब्रेट करते हैं हम, 21 फरवरी को, ताकि अवेयरनेस फैलाने के लिए, फॉर द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। हर एक स्टेट का अपना लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। बिहार अलग क्यों है, बिहार कोई बाउंड्री से अलग नहीं है, बिहार इसलिए अलग है क्योंकि उसका लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी अलग है। यहाँ पे बिहारीज रहते हैं, बंगाल, यहाँ पे तुमको बंगालीज मिल जाएंगे। तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाली आइडेंटिटी, लैंग्वेज, ठीक है। ये जो लिंग लैंग ये सब रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स, वोकैबुलरी, नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी, पढ़ना स्टार्ट किया। मैम यूनेस्को इसको स्पेशल डे बनाया, बिल्कुल एमसीक्यू प्रोन एरिया, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है ना 75 साल पूरे हो रहे हैं हमें, हो गए, उसके लिए हमने ये सब किया। इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, रीड। नेशनल हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हर साल सेलिब्रेट करते 14 सितंबर। सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम ऑब्वियसली देखते हैं इंपॉर्टेंस है इस डे का, क्यों, क्योंकि इसी टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका नाम है नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी जो कि देवांगरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, इज वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हमारी कंट्री का है। यस मैम, क्लियर मैम। हमारे नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग हमें पता है मैम। अब नेशनल फ्लैग के बारे में हमें पता है, सैफ्रन, व्हाइट और ग्रीन। ग्रीन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्रीनरी, व्हाइट पीस एंड ऑरेंज फॉर सॉल्टिट्यूड, है ना, हमारा मान मर्यादा। एंड फिर बीच में स्पोक्स होते किसके बताओ, जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्र विथ 24 स्पोक्स, व्हाइट बैंड के बीच में नेवी ब्लू व्हील्स, स्ट्रेंथ एंड करेज ऑरेंज सैफ्रन, व्हाइट मिडल इंडिकेट्स पीस विथ अ धर्म चक्र, एंड ग्रीन शोज द फर्टिलिटी एग्रीकल्चर, कितना स्पीशियस हमारे लिए। इट्स डिजाइन इज दैट ऑफ द व्हील विच अपियर्स ऑन द एबिकस ऑफ सरनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है मैम। डिजाइन जो है नेशनल फ्लैग का, उसको अडॉप्ट किया कब, बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। होमवर्क, बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क देने जा रही हूं, प्लीज लिखो, हु designed the national flag of India, और ये भी पढ़ना उन बेचारे के साथ क्या हुआ, कितने सारे flags बनाए उन्होंने, फिर जाके ये हुआ। ये भी पढ़ना कि मैं दिख नहीं रही हूं एक्चुअली, डीके जी थोड़ा सा मुझे दिखाइए ना, यहां पे माउस रख देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ मैम, 22 जुलाई 1947 को हुआ ये कि हमने अडॉप्ट किया। जिन्होंने इसको बनाई उनकी मौत कैसी हुई वो देखना, नहीं कुछ किया नहीं किसी ने, ही वाज अ वेरी यू नो हम्बल पर्सन, जिन्होंने इतने सारे फ्लैग्स बनाए और फाइनली जाकर के एक फ्लैग सेलेक्ट हुआ, बट उनको कोई भी व्हाट इज द वर्ड, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उसके बाद, एंड बहुत बुरे तरीके से मौत हुई इनकी विदाउट पेनी। नेशनल करेंसी,
मैम नेशनल करेंसी से तो प्यार है हमें, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। आ जाओ, इंडियन रुपी, ये स्क्रिप्ट में लिखा रहता र, ठीक है। नाउ ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय दी बाबूजी, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। न्यू सिंबल जो है अभी हमने 2010 में अडॉप्ट किया, जिसको हम पहले रुपया लिखते थे आर एस रुपीज, उसको हम कैसे लिखते हैं अब सर, जो कि 2010 में अडॉप्ट हुआ, रिसेंट है। हाँ, 8 जुलाई 2011 से हमने अडॉप्ट किया सर्कुलेट करना। स्टेट एम्बलम आप देखो, ये भी लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। पिलर्स आपको दिखेंगे हमारे स्टेट एम्बलम के, ठीक है। यहाँ पे भी आपको धर्म चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग में वो आपको सेंटर पे दिख जाएगा, सत्यमेव जयते। नेशनल बर्ड क्या है हमारी, पीकॉक है ना, ये हमारी नेशनल बर्ड है, बहुत कलरफुल होती है। नॉट इम्पॉर्टेंट, पता है आपको, और क्या। नेशनल एनिमल क्या है ये पता है ना, बचपन की जीके की क्लास लग रही है आपको। नेशनल फ्लावर लोटस, क्वेश्चन बस ये आ सकता है पॉसिबल है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसमें भी था। ठीक है, ओके, अच्छा ये भी एक बार देख लेंगे। BSI फ्रॉम 70% जियोग्राफिकल एरिया सर्वेड सो फार, 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारे हैं भी बोटानिकल गार्डन। इंडिया में फ्लोरा बहुत ज्यादा है ना, रिच इन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फौना मतलब जानवर। करेंटली अवेलेबल डेटा ये बताता है इंडिया 10th पोजिशन में, ठीक है मैम, मजा आ गया। ओलंपिक स्कूल सिंबल, सॉरी ओलंपिक सिंबल जो आपको दिखता है ना, रिंग्स, देयर आर रिंग्स, 5 इंटर लेस्ड या इंटरकनेक्टेड लिंक्स होते, जिसको हम ओलंपिक रिंग्स भी बोलते हैं, और उनके कलर्स भी होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं, सीक्वेंस आ सकता है कलर का, कलर वर्जन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसीलिए मैंने बोला सीक्वेंस आ सकता है। लिखो एमसीक्यू जोन, लिखो एमसीक्यू जोन और सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखो, लिख रहे हैं आप, सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या है सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, है ना। क्या है यार, है लिख क्या रही हूँ, आ क्या रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू कैन सी दिस, ठीक है, ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से, रेड, अब तुम जैसे भी इसको पकड़ो। अब तुम बोलोगे मैम कलर्स तो अलग है, उसमें दिए इसमें अलग दिए हुए, हाँ कलर्स इसमें अलग है, लेकिन अगर तुम लेफ्ट से राइट में देखो तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये तुमको कलर्स दिख जाएंगे, मतलब पूरा इस तरीके से। ओहो कहाँ गया, या ब्लू, येलो, ब्लैक, ठीक है, समझ रहे हो कैसे, ऐसे। अब इनके सिंबल जो है ये अलग अलग मूवमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम यहाँ पे सिंबल्स देखो, जितने भी गेम्स ओलंपिक के, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो आपका जैवलिन थ्रो हो, जंपिंग हो, कोई भी है, रेसलिंग, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इम्पॉर्टेंट, एंड बुक्स एंड ऑथर्स, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वेरी, लिखो लिखो यहाँ लिखो, मैं बताती हूँ क्या लिखना है।
वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बोरिंग, सो स्टार्ट रीडिंग, वरना लास्ट डे में कितना बोरोगे। हिस्ट्री क्या है इसका? किसी को भी जब हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है तो हम अप्रिशिएट कैसे करेंगे? कुछ अवार्ड या ऑनर देखें। तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स है, बहुत भारी भरकम नाम है यहाँ पे, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना, ये सब बहुत भारी भरकम अवार्ड्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिविलियन अवार्ड के बारे में तुम बात करो तो हाईएस्ट रैंक सिविलियन अवार्ड जो है, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तुमको सिर्फ इसके राइटिंग पे ध्यान देना है। मैं मार्किंग कर रही हूँ, प्लीज आप भी करो। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का, ठीक है, ये अगर आपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। रेकमेंडेशन जो होते हैं भारत रत्न के, मैम मेरे को कैसे मिल सकता है, ये रेकमेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के हाथ से दिया जाता है, कोई फॉर्मल रेकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तीन तीन मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तीन, मतलब मैम इस साल तो एक ही मिला, क्या हो गया, मैक्सिमम तीन दे सकते हैं हम साल में, मैक्सिमम तीन, ठीक है, ओके मैम, ये भी हमें समझ आया। भारत रत्न अवार्ड ऑन 48% एज ऑन सितंबर 25, 2019, अभी तक इतने लोगों को, कितने लोगों को मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, कूट कूट के एमसीक्यूज, मैं तो यही से उठा उठा के देती, 48% को मिला हुआ एज ऑफ 25 सितंबर, रिवाइज द डेटा, ये सब होमवर्क है, हाँ ठीक है मैम। श्री प्रणब मुखर्जी जब लास्ट थे, ठीक है, लीडर एंड स्टेट्समैन, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, श्री, ये नाम दिया हुआ है भाई, सब नाम है, वेयर द रेसिपियंट ऑफ अवार्ड फॉर 2019, मतलब 2019 के तीन लोगों का नाम। तुमको कौन सा पढ़ना है मैम? 2021, 2022, बाई चांस दिख जाए तुम लोगों को, ठीक है, ये दो डेटा, 20 का भी देख ही लेना, ये तीन डेटा देखना है, ठीक है, ओके। पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है इंडिया में, ठीक है, ये साल में एक बार आता है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ये इंपॉर्टेंट है, कब मिलता है पद्मा अवार्ड्स, तो इसके भी तुमको 2022 का, 21 का और 20 का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अचीवमेंट्स दिखेंगे इसमें तुमको सारे भी फील्ड्स के, डिसिप्लिन, फील्ड एक्टिविटीज, वेयर एन पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक सर्विस, यहां पे वो वैसा नहीं था, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एंडेवर का, कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर तुम अच्छा परफॉर्म किया तुमको मिलेगा, ये पब्लिक सर्विस से इंपॉर्टेंट है। पद्मा अवार्ड जो है यहाँ पे भी कौन रेकमेंड करता है, वहां पे फॉर्मल, यहाँ पे कोई फॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मल रेकमेंडेशन नहीं चाहिए था, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, कहाँ गया, सो रिकमेंडेशंस मेड बाय पद्मा अवार्ड कमिटी, यहां एक कमिटी है, कौन सी कमिटी, पीएसी, जो कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पीएम, हर साल, हर साल। अब नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो इज ओपन टू द पब्लिक, आराम से नॉमिनेट कर सकते हैं, सेल्फ नॉमिनेशन भी पॉसिबल है, खुद को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, क्या बात है। पद्म अवार्ड जो है विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, हर साल अनाउंस होता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, अभी देखा तुमने, ठीक है, ड्यूरिंग 1978 से 1979, 1993 से 1997, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन, इन इन सालों जिनका नाम लिया है, इन सालों में नहीं हुआ, इन सालों में नहीं हुआ, ठीक है। तीन कैटेगरीज में हम देते हैं, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण, पद्मश्री। पब्लिक सर्विस का है तो देखो नाम क्या है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर हाई ऑर्डर एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। क्या बात है मैम, इतना क्लैरिटी मिला, हमें नहीं पता था, हम बस नाम सुनते थे, हमें पता चला भारत रत्न 3 मैक्सिमम दे सकते हैं, हमें पता चला पद्म अवार्ड्स जिसमें 3 कैटेगरी, विभूषण, भूषण, श्री, और तीनों भी कैटेगरीज जो कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, एक्सेप्शनल या अलग सर्विस, अलग सर्विस, हाई ऑर्डर एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है मैम, क्या मजा आ गया पढ़ के, कैसा लग रहा है तुम लोगों को, कैसा लग रहा है, अरे जिंदा हो, जिंदा हो कि गए। मैम हमें तो मिलेगा नहीं, क्या करे पढ़ के, हो जिंदा क्या, लिखो फिर, अरे हैं जिंदा आप सब, हाँ सृष्टि बताइए, मैम क्या, मैम लिख के रुक गई है, क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश, अच्छा यहाँ देखो, डिस्टिंग्विश सर्विस का मतलब होता है आपने मेरिट बेस पे, आपने आपको जो भी काम दिया उसमें आपने एक्सेप्शनली अमेजिंग परफॉर्म किया है, मेरिट के साथ परफॉर्म किया है, 4 डाला है, कुछ तो एकदम अनोखा ही कर डाला है, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है मैम, मजा आ गया मैम। अभी देखो फटाफट यहाँ पे मार्किंग्स, क्योंकि हम कर रहे थे यहाँ पे, थोड़ा सा देखो क्या है यहाँ पे, देखो ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, मतलब किसी को भी बांटा नहीं जाएगा, तुम्हारा जाति है, तुम्हारा, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग हुज वर्किंग विद PSUs विच इज पब्लिक सेक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, बस वो ही एलिजिबल नहीं है ना अवार्ड्स के लिए, बाकी PSUs और गवर्नमेंट सर्वेंट्स वो उनको मिल सकता है। वाह, अवार्ड रिकग्नाइज करती है डिस्टिंक्शन, मतलब एकदम अलग, एकदम बेस्ट काम, बोलते ना यार पेपर में डिस्टिंक्शन लेके आई है ना, जो एक्सपेक्टेशन है उतना तक आपने किया, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कौन देता है मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल, कहां पे मैम, राष्ट्रपति भवन में, अरे वाह, कब, मार्च अप्रैल के टाइम पे, हर साल 2022 में प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड 128 मैम, 3 था ना, अरे 3 यहां था ना, भारत रत्न में था ना, यहां नहीं था, यहां 128 हर साल अलग 128 पद्म अवार्ड दिए गए थे जिसमें 2 डुओ केस थे, इन डुओ केस अवार्ड इज काउंटेड एज 1, 2 के बदले 1, मतलब मिलता 2 बट 1 एज पर लिस्ट बिलो, यहां 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री, और यही उसका ऑनर का क्लास भी है, सबसे बड़ा विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। क्या बात है मैम, पद्म विभूषण है 4 याद कर सकते हो तुम, और 3 देखो उत्तर प्रदेश से मिला है, क्या बात है, पद्म भूषण, एंड 107 पद्मश्री, मैम याद करना है नहीं। अब सिनेमा मैम, मूवीज हमें बहुत पसंद है, मैं 1 मिनट दूं, पढ़ोगे फटाफट, थोड़ा सा रीड करोगे,
अच्छा ये क्वेश्चंस देखेंगे आप एक बार, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता भी होना चाहिए कब इनॉग्रेट हुआ था, हैदराबाद में इनॉग्रेट हुआ था। ये भी जस्ट मैंने टेंपल्स देखा। सो बेसिकली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन और हर जगह से तुमको पीछे से उठा के दिया है। देखो बहुत सारा कुछ रीडिंग है एजुकेशन में, देखो फटाफट मार्किंग ले लो ना। एजुकेशन में तुमको अलग अलग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परीक्षा पे चर्चा एक इवेंट हुआ था, ये एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया था, जहाँ पे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये अगर आप रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, वहां पे देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, अब्दुल कलाम जी, उनके बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे दिख जाएंगे। बट हाँ, परीक्षा पे चक्र 2021 में हुआ था, 7 अप्रैल 2022 का डेटा रिवाइज करोगे, एक बार चेक करोगे होमवर्क। मैं देखूंगी कौन सा बच्चा सारा होमवर्क करके मेरे को भेजा, एक लिस्ट बना के, ठीक है। तो ये आप करोगे जहां पे उन्होंने इंटरेक्ट किया था बच्चों से, यूथ वाले बच्चों पे, की टेक अवेज कुछ ऐसे क्वेश्चन का नहीं है, बस 2022 का आप देख लेना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाईलाइट्स उससे रिलेटेड दिए हैं कि क्या क्या मतलब फीचर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP जो हर साल होते हैं उससे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ये 2020 का है तो ये इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो है तो सारे सिमिलर पॉइंट्स ही, रीडिंग क्लास है ये, ठीक है। चलो ये हुआ परीक्षा पे चर्चा। मैम चाय पे चर्चा हो सुने, परीक्षा पे चर्चा क्या, रोज करते हम लोग। हाँ हाँ बहुत स्मार्ट हो, आ जाओ। अच्छा हिंदू समाज से रिलेटेड कुछ तो बातें यहाँ पे आपको बताई हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लिखो, हॉट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 5 फरवरी 2022 में 216 फीट का स्टैचू, कहाँ पे मैम, हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया। क्या बनाया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। किसके याद में मैम, मैम एक स्टैचू ऑफ यूनिटी था वो अलग है, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। ये सब देख लोगे ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी इक्वालिटी किनके लिए बनाया, ओहो है ना, किनके लिए बनाया, क्यों, क्योंकि वो जो थे वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी में बिलीव करते थे, ठीक है, ओके। यहां लिखो, यहां पे पेन से लिखो, रामानुजाचार्य शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में कुछ बताएंगे, कितना फीट हाई है, कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, किस बेस बिल्डिंग पे बना हुआ है, ठीक है, और किस अलॉय से बना है। पांच PANCH, पांचा ओला, ओहा कहाँ गया, पांचा लोहा, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रास एंड जिंक। टॉलेस्ट मेटलिक स्टैचूज है दुनिया का, टॉलेस्ट में आता है। किसने कंसेप्चुलाइज किया इसको, आश्रम के श्री चिन्ना जीआर स्वामी जी ने, ये आइकन है इक्वालिटी के, ये उनकी बातें हैं। मैम मजा आ गया मैम, ये सब थोड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को, बिल्कुल लगना भी चाहिए। उनके कुछ मैसेजेस, उनके रेवोल्यूशनरी, ये रीडिंग कैटेगरी में, वो क्या सोचते थे, मतलब बेसिक एक क्वेश्चन है कब बना, तो जस्ट उनके बारे में रीड करोगे, ठीक है मैम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में क्या बोला है, आज बीसी का क्लास नहीं हो पाएगा, मेरा गला अब काम नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह भी मैंने ले लिया। अच्छा ये सब थोड़ा रीड करेंगे क्या आप, रीड करना, कुछ दिक्कत होगा तो मेरे से पूछना,
मैं एक बार के लिए इसका मार्किंग भेजूंगी, आई विल सेंड द मार्किंग फॉर दिस। बाकी तो हो गया, ये हो गया, बस एक ही पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया रीड करने के लिए, ठीक है, दिस पार्ट प्लीज रीड दिस। और एक अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, फाल्के अवार्ड्स बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस आपको मिल जाएगा। ये एक होमवर्क मिला आपको और एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दो चीजें होमवर्क मिली है। इधर देखो, मेरे तरफ देखो, दो चीजें होमवर्क मिली है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ये मूवीज वाला। उसी के साथ एक पार्ट है ICSI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2021। तो जी हाँ, इंस्टीट्यूट हर साल बहुत सारे कॉन्वोकेशन सेरेमनीज, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होस्ट करते हैं जहाँ बड़े बड़े यू नो मेंबर्स जिनको बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड से भी लोगों को बुलाया जाता है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए हैं, निर्मला सीतारमन जी भी आई हुई हैं। इन लोगों ने काफ़ी सारे यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बातें की हैं कि सीएस का काम ही है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करना, कंप्लायंसेस को इस तरीके से रखना ताकि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, इन्वेस्टर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर सबको सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर पता चले, डिस्क्लोजर्स होता रहे और कंप्लायंसेस गवर्नेंस अच्छे से चले किसी भी कंपनी का। चलने के लिए बोलते ना, अगर रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं तो उनको चलाना भी पड़ेगा, वो सीएस का काम। तो ये तीन चीज़ें आपकी होमवर्क हैं, इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करेंगे, मैं एक बार मार्किंग्स आपको भेजूंगी और नेक्स्ट क्लास में ब्रीफिंग भी दे दूंगी, ठीक है। ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड 1 एंड 2। अभी जो बाकी के दो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटू छोटू से हैं, उसके बाद हमारा जो पूरा टाइम जाएगा वो बीसी के लिए जाएगा फुल फ्लेज्ड। ऑल्दो मैं हिस्ट्री करवाने वाली थी आज ईमेल्स का, तो किसी ने मुझसे पूछा था, बिल्कुल हाँ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑब्वियसली टाइप करने नहीं आएगा सीसी क्या होता है बीसीसी क्या होता है, आपको क्लियरली क्वेश्चंस उसी के बेस पे पूछे जाएंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्वियसली वी आर गोना डू दैट, डेफिनेटली वी आर गोना डू दैट वेरी 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 सून। सो बीसी के वो कुछ पोर्शंस हमारे बचे हुए हैं, वो कैबलरी उम्मीद है मुझे आप हर रोज पढ़ रहे हो, रूट वर्ड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको जो बुक रेफर की उसमें लिखी हुई है, ऑब्वियसली मैं जब बताऊंगी तो आएगा काम, बट वो कैबलरी कोई अलग से ऐसे पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, रीजन मैंने बता रखा है। जो हमें करना है दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डेंस का कुछ पार्ट जो मेजरली आपका हो गया, माइनरली बचा है पॉलिश करेंगे आपके बुक से, उसके साथ हमारा करंट अफेयर्स का दो पोर्शन और कुछ मैराथन्स बाद में जो होंगे जो आपके बुलेटिन से रिलेटेड होंगे जहां हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलआर के लिए आपको बोला गया है क्वेश्चन सॉल्व करने क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, क्लॉक्स बचा हुआ है बस मेरे दिमाग में वो है और एक शेप्स का, वो हमें जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना है, तो वाला टले वाला, लेकिन फिर भी आपका 98% सिलेबस कंप्लीट है एलआर का। सो फटाफट विल सम अप एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे ईच वन ऑफ यू, पढ़ लो।